देखो इन्हें खाना मिला दिया गाड़ी। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। क्या खाएगा रिकॉर्डिंग कर हम लोग जल्दी पहुँच जाए। ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुल बुली करे जो ढक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे आने दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश अमेजिंग व्लॉग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं पूरा रेडी हूँ अभी निकलने के लिए एक राइड पे, और आज हम लोग का राइड होने वाला है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नोंगजरोंग जो कि है मेघालय में। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। तो दोस्तों तो आज के इस राइड में हम लोग अकेला नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त है हमारे। ये है हमारा दोस्त अरिंदम, ये है हमारा निंजा बॉय दोनों और वो है अनुराग। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं अभी लोकड़ा से एंड अभी समय हो रहा है 6:34 और हम लोग को वहाँ पे पहुँचने में लगेगा लगभग 5 घंटा। और ये फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मेरा इतना लंबा राइड है, अब तक मैंने इतना लंबा राइड पहले किया नहीं है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। सो ऑलराइट दोस्तों, हम लोग अभी रुके हैं पेट्रोल पंप में और हम लोग अपना राम प्यारी को फ्यूल अप करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे गौरव भाई फ्यूल भरवा रहे हैं अपने निंजा में एंड रिंदम भाई ने भी फ्यूल अप करवा दिया। हो गया ना, कितना का डाला? 600। कितना कंजूसी माइलेज ज़्यादा देता है यहाँ पे, लेकिन 2 रुपये सस्ता है गुवाहाटी से, बहुत अच्छा होता है हम लोग के लिए। हो गया ना दोस्तों, को देखिए यहाँ पे इतना लंबा जाम लगा है और हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। सारा ट्रांजिट व्हीकल्स को यहाँ पे रोका गया है एंड वी कैन डू एनीथिंग राइट। क्या लफड़ा है ना, क्या करेगा तू, दूसरा सब तो नहीं है ना, एक ही है ना। जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे मेरे मींस। चलो आगे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिलेगा। चलो निकलते हैं, कहाँ खाएगा, कहाँ पे खाएगा, कहाँ पे आगे। अब चल जाने दे, जाने दे जो भी पीस ओ जगह ताने पे ताने दे ना। देखो सावन आए रे मन हसाए में दवा और सारी उम्र ना गवा दे। आ जाओ नाक में लाठी घुसवाए, एकदम पसंद नहीं। अरे दोस्तों तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उमलिंग में, जहां पे हमारा कोविड स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन है तो आपको बस डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना है और यहां से आपको ये लोग पास देंगे जिसको लेके आप यहां से जा सकते हैं आगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास सिंगल डोज है तो यहां पे नाक में लाठी घुसवाओ और फिर वापस जाओ। अरे दोस्तों तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना कोविड स्क्रीनिंग करा लिया। दरअसल अगर आपके पास मेघालय टूरिज्म ऐप है तो उसमें आप प्री रजिस्टर करके ई इनवाइट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके अपना डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करके रख सकते हैं और प्री रजिस्टर कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको QR कोड होगा वो दिखा देना है, वो लोग वेरीफाई कर देंगे और आपका डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा देना है, उसके बाद आप पास लेके जा सकते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं हाईवे ढाबा में और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। और हमें अपना गोपड़ों में एडाप्टर माइक ये सब लगाना है और थोड़ा गोपड़ों को चार्ज भी करना है। तो अभी चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं।
भाई क्या कह रहे हो बताओ रिकॉर्डिंग कर हेलो दोस्तों, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा दिखता है एंड चलिए इसको खत्म करते हैं। गौरव भाई भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। भाई कैसा है खाना बताओ? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, लाजवाब। और अनुराग? बहुत बढ़िया। और तुम? मोजा मजा ना, मोजा। ठीक है, तो हम लोग भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, वापस अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। और लो दोस्तों, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है। तो एक पानी बोतल लीजिए ना। तो वी हैव रीस्टार्टेड आवर राइड एंड होपफुली हम लोग जल्दी पहुँच जाए। अभी हम लोग का अभी 8:50 हो रहा है एंड यहाँ से हम लोग को और 150 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करना है। और भाई मेरे को निकलने में थोड़ा सा देरी हो गया। हमारे गौरव भाई और अरिंदम भाई आगे चले गए हैं और मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, इसीलिए अभी हमें भगाना पड़ेगा इस स्कूटी को, अपनी राम प्यारी को भगाना पड़ेगा। अपना एंटो बुलेट से कम है के ऐसा बढ़िया चंगा रोड है ना ये। इस रोड पर चलाने का मजा और फील ही कुछ और है। अभी देखिए 85 किलोमीटर/आवर का स्पीड में हमारी राम प्यारी चल रही है एंड आप वर्चुअल राइड एंजॉय कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, आई होप ये मोटो ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। एंड गाइस आई एम न्यू टू इट, मुझे ज़्यादा पता नहीं है एंड गोप्रो भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बियर विद इट, अगर कोई भूल चुक हो गया आपके भाई से तो काइंडली हमें माफ़ करें और हमें इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, फिर भी आपके भाई ज़रूर इसको जरूर सीख करेंगे। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित ला के रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नीस, अब चल जाने दे जो भी पीस, ओ जगे ताने पे ताने। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई दूसरा नाम सजेस्ट करना चाहते हैं राम प्यारी का तो आप प्लीज हमें कमेंट करके नीचे हमें बता दिए, ताकि आपके भ्राता श्री इस स्कूटी को दूसरे नाम के बारे में सोच सके, क्योंकि हमको इस अपने स्कूटी को राम प्यारी बोल के काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे सबका अलग अलग बाइक का अपना अपना नाम है, हमने सोचा कि इसका नाम राम प्यारी रख दें। पता नहीं किस लिए आया ये सोच, लेकिन हम वक्त तो दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस नाम को बदला जाए तो वो भी कर दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताया करें कि इस स्कूटी का क्या नाम होना चाहिए। तो यहाँ से शिलोंग है 36 किलोमीटर। हाँ तो मित्रों और भाई और बहनों, कि हमको पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमना है, ये मेरा एक ड्रीम है जो मैं कब से मैं हृदय के अंदर छुपा कर रखा था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमना है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हर एक सिटी, हर एक टाउन को एक्सप्लोर करना है। पता नहीं ये कब होगा, लेकिन ये बहुत जल्द होगा। उससे तो एक अजब सा सीन हो गया है। दरअसल क्या हुआ कि आपके भाई के दांतों से खून निकलने लग गया है, पता नहीं क्यों, कैसे हुआ, किस लिए हुआ वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन खून निकल रहा है। तो इसका इलाज करने के लिए हम लोग रुके हैं, तो जुगाड़ ढूंढते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे फोटोशूट का कार्यक्रम चल रहा है। कितना फोटो खींचा भाई? 2-4-5 ना बस। और गौरव भाई तुमने कितना फोटो खींचा? एक कुल मिला के 200 होंगे। और लो दोस्तों, तो थोड़ा देरी का विश्राम लेने के बाद हमारी गड्डी वापस निकल चुकी है अपने रास्ते पे। और लो दोस्तों, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उमरोई। ये लेक देखिए, कितना सुंदर लेक है यार। फर्स्ट टाइम जब इस लेक को मैंने देखा था, लास्ट टाइम जब आया था, तो भाई मज़ा आ गया था, सच बोल रहा हूँ। और फिर से दोबारा इस लेक को देखने के बाद मेरा यादें ताज़े हो गई। और हाँ दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग ऑफिशियली शिलोंग में एंटर करने वाले हैं जस्ट थोड़ी ही देर में। एंड यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर आपके आसपास का डिस्टेंस बच गया है शिलोंग जाने में। और 2-3 महीने के बाद वापस शिलोंग पहुँच चुका हूँ। शिलोंग क्रॉस करके हमें जाना होगा मांगजरोंग, और नांगजरोंग मैं किस लिए जा रहा हूँ वहाँ पर पहुँच के बातें करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग अभी एक डैम के ऊपर से गुजर रहे हैं एंड
सच में यार ये डैम बहुत गजब का है। आप हमारे सामने देखिए, ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचा सकते हैं। ओके भाई, ये नज़ारा देखो आप, क्या सही नज़ारा है यार। उमियम लेक है ये है उमियम व्यू पॉइंट। भाई खींच लिया फोटो? अच्छा, और कितना खींचेगा? 100 खींचा था ना इस बार, 200। अरे 200 खींचा था तुम? अभी जस्ट एक ही फोटो लिया है। अच्छा, अभी और लूंगा। 100 खींचो, उसमें से अपलोड एक ही होगा ना। हाँ वो भी है। तुम क्या कर रहे हो, रील बना रहे क्या? नहीं, मेरा एक रील बना था तो। यहाँ पे हम लोगों ने फोटो ले लिया एंड दो चार रील हम लोगों ने शूट कर लिया है एंड वी आर गुड टू गो। सो वेलकम टू द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडियाज हार्ट एंड सोल, वेलकम टू शिलोंग। एंड हम लोग अभी शिलोंग सिटी के अंदर आ चुके हैं और मैं आज पहली बार यहाँ पे आके इतना हैरान हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था उस टाइम इतना भीड़ था ना। शिलोंग का ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे टोटली जाम रहता है और कभी खाली ही नहीं रहता। और अब भाई ये लोग कहाँ चले गए पता ही नहीं हमको, क्योंकि फोन मारता है इन लोग को एक रुक के। भाई अनुराग कहाँ है तुम लोग? हेलो। हाँ कहाँ पे हो तुम लोग? रास्ता में आते रहिए, टर्निंग नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है सीधा आता हूँ मैं। हाँ ओके दोस्तों, तो उन लोगों ने बोला है कि इसी रास्ता में हमें सीधा चलना है, हमें टर्निंग नहीं लेना। कहाँ पे है? हाँ चलो चलो चलो। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। अच्छा कितना किलोमीटर? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ 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 आगे जाओ। अरे रंजना बता दे बता दे ना। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो ब्लॉग है उसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और इसको मैंने डिसाइड किया है कि दो पार्ट में डिवाइड कर देने का। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसका सेकंड पार्ट हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण, टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ। बाय बाय। Bye.